फैमिली जी आप आइए, रीमा जी आप आइए, एक यादगार नामा बना दीजिए। आप दोनों बड़ी आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के आन बान शान है। बस ये पता क्या, लोग एक अच्छा तासुर बताते हैं। मेरी बात आप से, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आइए ना, तशरीफ लाइए ना आप। जादू की जप्पी आ गई। ये दोस्त भी अजीब होते हैं, लेने पे आए तो जान गिर गए, लेने पे आए तो हंसी तक छीन गए, कहने पे आए तो दिल के खानों के तमाम राज तक कह गए, छुपाने पे आए तो ये तक ना बताए कि खफा क्यों है, नाराज होने पे आए तो हंसी तक छीन गए, मनाने पे आए तो अपनी सांसों को बात है। बस दोस्त जिंदगी में नहीं मिला करते, बल्कि जिंदगी दोस्तों से मिला करती है। आप सबकी दोस्ती को कायम रखें। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके लिए भाभी कह सकता हूँ। अभी अभी कार तो दे दो पापा। आपकी मेहरबानी होगी। नहीं, बहुत अच्छा लगा रीमा को इतने ऐसे बात देखा है। और शादी में तो मैं नहीं आ सकी, शादी हुई भी बाहर, और अच्छा लगा एक अरसे के बाद फिर मिले हैं। हमने बहुत काम किया एक साथ और मिस करते हैं उस दिन को। तो मेरी दुआएं हैं इसके साथ। अब घर वाले तो बन गए, बस माँ बने ये देखना चाहती हूँ, यही दुआएं मेरी। यही हमें आपसे तो बड़े एजाज की बात है ऑनेस्टली कि मैं ना सिर्फ साइमा सैयद साहब, बहार बेगम, खुशबू, अरबाज, मोहम्मद राना, महनाज, निशोभा जी, वारिस बेग, उनकी मिसेस, ये तमाम लोग जो हैं, शबनम मजीद, मेरे ख्याल में मैं अपनी खुशकिस्मती पे जितना भी मान करूं, रख के जितने भी सजदे करूं, कम है कि मेरी हकीकतन और वन एंड ओनली उमर शरीफ और दीवा भाभी, मेरी वाकई खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे दोस्त, इतनी प्यारी फैमिली दी है। एक फैमिली वो है जो आपको पैदा करती है जहाँ बड़े होते हैं, और एक फैमिली वो है जहाँ आपकी ज़िंदगी के दिन गुजरते हैं और वो दिन कभी नहीं भूलते। मेरे ये दिन मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं निकल सकते जो मैंने आप सब के साथ गुजारे। आप सब लोग मेरी जान हैं और मेरे जिस्म का हिस्सा हैं, और अगर जान निकल जाए तो जिस्म अधूरा है। तो मैं आप सबके बगैर अधूरी हूँ। आप सबके प्यार का बहुत सो मच।